इंडिया के हिस्सों में लागू हो चुकी थी, यहाँ 2022 से हम दावा कर रहे हैं कि चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका पेस देखें, रफ्तार देखें, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अभी ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में है, ये इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग। हम बहुत पीछे रह चुके हैं इसमें, और NEP के तकाजों के मुताबिक जो चीज़ें हमसे मुतालबा करती हैं, ये एप्स और ये मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें हम बहुत पीछे हैं। एक थे अभी येलो, ग्रीन एंड रेड। हमारे क्लस्टर हेड मिस्टर हसरत हफीज साहब ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छेड़े, उनमें आपने देखा कि नंबर फर्स्ट सिंगल टीचर स्कूल्स का जो भी मामला है वो आज एड्रेस करेंगे सर, चाहे वो हाई स्कूल प्राइमरी से हो या कोई प्राइमरी स्कूल बारवला है या और भी कोई स्कूल है, वो दो तीन जो प्राइमरी स्कूल्स जहाँ भी सिंगल टीचर्स का मसला है वो आज ही हम एड्रेस करेंगे सर। आपको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट उनको भी करना है, और इसके साथ साथ लेसन प्लान वो ऑलरेडी सर ने आपके साथ डिस्कस किया, और ग्रेडिंग को भी इम्प्रूव करना है, जैसे कि आप सर ने पहले इसके बारे में इशारा किया और जोर सर ने भी इशारा किया कि अगर कोई येलो में आता है उसको इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है टूवर्ड्स ग्रीन, और जो ऑलरेडी ग्रीन में है उनको भी उसको मेनटेन करने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन के हवाले से भी आपने सुना कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी 73 क्वेश्चंस हैं वो शायद टू इंटरप्ट, तो इसमें ये बात मैं अर्ज करूंगा कि अब ये ग्रेडिंग हमारे हाथ से निकल गई, इसी से हम सीट एस्पेक्ट की सुन सर ये अच्छा प्रो फार्मा इस दिन इसी से हम भरते थे प्रो फार्मा वहां पे आपके स्कूल में टीचर्स सीट सेक्शन प्रो सीट ग्रेडिंग करनी है अब इस महीने में, तो हम चाहते हैं कि जो पिछली मरतबा जो स्कूल रेड आए थे या येलो आए थे वो अगली बार इस बार वो अच्छा मुजाहरा करें। और जो है स्कूल प्रेजेंस की बात है सर, उसमें बाउंड्री वॉल जो होती है वो किसी को अवध है ही नहीं, अगर इसको है भी वो भी अच्छी हालत में नहीं होगी सर। इसका अथॉरिटीज को सर कहा लिखा भी किया भी, आए भी, उन्होंने विजिट भी किया, इस तरह से सर अब हम तक तो कुछ नहीं है सर, हमारा अकेडमिक में कुछ ना कुछ आप इसमें एक्शन ले सर। As you all, you are aware that this cluster system, when it was introduced, it has been demanding so many things on our part, on your part. My colleague Zuhur Sahab was just telling you that grading system now has been introduced in academic monitoring system. अब ये पोर्टल पे आ चुका है, आपने देखा होगा या आपको मालूम होगा कि जिन स्कूलों का हमने पर्सनली विजिट किया तो वहाँ पे अपने फ़ोन पे हमने किया वहाँ पे रजिस्टर, और जिन्हें पर्सनल विजिट नहीं हुआ वहाँ से भी हमने फ़ोन पे विजिट की, उसके भी फोटोग्राफ्स चढ़ाने थे इस पोर्टल। अब आ गए क्या इसका थोड़ा स्विफ्ट चैट, स्विफ्ट चैट ऐप है एक हमारे पास, आप इसी के साथ ये जो आ गया है 73 क्वेश्चंस इसमें ऑटोमेटिकली आते हैं। हम लिखते हैं यस, ऐप डजंट एक्सेप्ट अनलेस वी अपलोड फोटोग्राफ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड और वट एवर बोर्ड इट इज। अगर सही रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे आगे जन्नत उसके बदले में मिलेगा, अगर गलत रास्ते की तरफ खुदा ना खास्ता गए दैट मीन्स वो भी हमें पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए हर किसी शख्स पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सा रास्ता हम इख्तियार करेंगे, ठीक, क्योंकि हम सब यहाँ इल्म वाले हैं, इंटेलेक्चुअल्स हम यहाँ पर बैठे हैं, कि कुरान में भी अरफाजीमदारजा जो लोग जिन लोगों के पास इल्म होता है अल्लाह ताला की नज़दीक उनके दर्जा जो हमेशा वो बुलंद रहते हैं, इसलिए हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भी कोशिश करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर आप सभी सेकेंडरी एजुकेशन जो भी आपका स्कूल है या एलिमेंट्री एजुकेशन,
आपका एट तक है तो एलिमेंट्री लिखेंगे, आपका फिफ्थ तक है तो प्राइमरी लिखेंगे, आपका सेकेंडरी लेवल है तो सेकेंडरी लिखेंगे। आप देखते हैं कि सभी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं पहले रोज से कह चुका हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली। इफ दिस इंस्टीट्यूशन इज माई इमीडिएट फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली।